हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम आपके लिए एक बेहद ही नया नुस्खा लेके आए हैं, जिसे अपना कर आप सिर्फ 2 दिनों में एसिडिटी, गैस या पित्त जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हाइपर एसिडिटी यानी पेट में जलना, सीने में जलन होना, पेट में जैसे आग उबल रही हो ऐसे महसूस होना, फेफड़ों में भारीपन महसूस होना, खट्टा डकाराना या फिर पेट में गैस की वजह से भारीपन महसूस करना, कुछ भी खाने का मन न करना, ये सभी हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं। हाइपर एसिडिटी का कारण अत्यधिक गर्म, तीखा, मसालेदार भोजन करना, अत्यधिक खट्टी चीज़ों का सेवन, देर से पचने वाले खाद्य पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करने से हाइपर एसिडिटी की समस्या पैदा होती है। भोजन को पचने में पर्याप्त समय न देना और अपच के बावजूद खाना खाते रहना आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सिर्फ 2 दिनों में आप अपनी हाइपर एसिडिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिया हुआ बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले 2 टीस्पून सौंफ लेना है और 2 टीस्पून मिश्री लेना है। दोनों को पीसकर अच्छे से मिक्स करें और फिर 1 ग्लास पानी में उसे रात को भिगो कर रख दे। हो सके तो उसे मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रखें, इससे आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा पाउडर बनाकर रखना है तो दोनों की सही मात्रा रखें, जैसे 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम मिश्री, दोनों को कूट कर पाउडर बना ले और एक बोतल में भर कर रख सकते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इसको प्रयोग में कैसे लेना है। तो जो आपको रात को भिगो के रखा हुआ पाउडर था, उसको सुबह बिना गर्म किए छान लेना है और सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट लेने के बाद 20 से 25 मिनट का गैप रखना है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं लेना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ये प्रोसेस 2 से 3 दिन लगातार करने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ही चली जाएगी और एसिडिटी की वजह से जो पेट में जलन होती है वो भी कम हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।